हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हमने जो पढ़ा था वो था हमारे पास सेट, सबसेट एंड एलिमेंट्स की डेफिनेशंस, और इसके एग्जांपल्स भी पढ़े थे। इस वीडियो में जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में, तो बेसिकली हमारे पास दो सेट है, सपोज कि एक्स एंड वाई, दो सेट है एक्स एंड वाई। तो उस कंडीशन में हमारे पास उन सेट का यूनियन किस तरह से डिफाइन होता है, एक्स यूनियन वाई। तो इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि लेट एनी, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, एक्स आई बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई आई बिलोंग्स टू वाई। देन ऐसे सारे एलिमेंट जो या तो एक्स आई बिलोंग्स टू एक्स कर रहे हैं, और या इसको हम इस तरह से डिनोट करें, जेड आई जो है वो बिलोंग्स टू एक्स आई यूनियन वाई आई, जहाँ पे जेड आई या तो बिलोंग्स टू एक्स आई करेगा और इंग्लिश वाला और, यानी कि फ्रेंड्स ये इंग्लिश वाला और है, हिंदी वाला नहीं है, या जेड आई बिलोंग्स टू एक्स आई और जेड आई बिलोंग्स टू वाई आई, यानी या तो जेड आई जो है एक्स आई से बिलोंग कर रहा होगा या जेड आई जो है वो वाई आई से बिलोंग कर रहा होगा। तो ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो होता है, ऐसे सारे एलिमेंट्स का सेट यूनियन कहलाता है। तो जैसे अगर यूनियन की बात करें, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया हुआ है 1 2 3, सॉरी 1 3 5 एंड 3 5 7 6। तो इनका जो यूनियन होगा, तो 1 3 5 6 7, यानी 1 जो है इससे कर रहा है, 3 जो है इससे भी कर रहा है, और 3 इससे भी कर रहा है, 5 इससे है, 6 भी इससे है सेट से, और 7 भी सेट से है। तो ये सारे सेट से हैं, तो ऐसे सारे एलिमेंट्स जो या तो वो इसमें होंगे या इसमें होंगे या दोनों में होंगे, तो ऐसे सेट्स का एलिमेंट जो कहलाता है वो हमारे पास यूनियन कहलाता है। और एक एग्जांपल ये भी दिया हुआ है, 1 यूनियन 1 यूनियन 2 यूनियन 1 2 3 यूनियन, इस तरह से सेट का यूनियन करते जाए तो हमारे पास जो सेट का लास्ट यूनियन जो आएगा वो नेचुरल नंबर्स का सेट जो आ जाएगा, वो उसका यूनियन आ जाएगा। अब सेकंड आता है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो इंटरसेक्शन डिफाइन करने के लिए हमारे पास, लेट कि हमारे पास दो सेट है एक्स एंड वाई, तो उस कंडीशन में उनका इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो किस तरह से डिनोट करते हैं, अगर जेड कोई एक एलिमेंट है तो उस जेड को, या जेड आई को बिलोंग्स टू एक्स करना चाहिए, एंड जेड आई को बिलोंग्स टू वाई करना चाहिए, यानी जेड को जो है वो एक्स का भी सेट होना चाहिए, एक्स का भी एलिमेंट होना चाहिए और वाई का भी एलिमेंट होना चाहिए जेड को। तो ऐसे सेट का जो एलिमेंट सेट होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स का जो सेट होता है वो इंटरसेक्शन कहलाता है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है एक, या हम कहें कई बार कह सकते कॉमन जो एलिमेंट है जो दोनों में है वो इंटरसेक्शन है, जैसे 1 3 5 6 एंड 2 4 6 3 8। तो इसमें देखें तो कॉमन क्या क्या है, 1 इसमें है बट इसमें नहीं, तो 1 नहीं रहेगा इसका एलिमेंट। अगर 3 की बात करें तो 3 इसमें है और इसमें है, तो 3 इंटरसेक्शन का एलिमेंट आ जाएगा क्योंकि दोनों में है। 5 की बात करें, 5 इसमें बट इसमें नहीं है। 6 की बात करें, 6 इसमें है बट 6 इसमें भी है, तो 3 एंड 6 जो दोनों एलिमेंट है वो इनका इंटरसेक्शन है, 3 6 जो है वो इंटरसेक्शन है इनका। अगर इसको एक्स दे दें, इसको वाई दे दें, तो ये इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई। और कई बार हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि कई बार इंटरसेक्शन कॉमन में कुछ भी नहीं आए, 2 3 5 और 1 3 7 कुछ भी कॉमन में नहीं है, तो इसके कंडीशन में इंटरसेक्शन जो होगा वो 5 सेट जो होगा वो इंटरसेक्शन होगा, यानी अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उस कंडीशन में 5 तो उसका इंटरसेक्शन होगा ही होगा। अगर हमारे पास कोई दो सेट है एक्स और वाई, और उनका अगर जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है, तो उस कंडीशन में एक्स और वाई जो है वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। और अगर कोई भी हमारे पास एक इंटरसेक्शन में कुछ भी अगर मिल जाता है फाई के अलावा, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं जो एक्स और वाई जो सेट है वो एम्प्टी से, वो जॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट नहीं है।
अब हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई एक सेट है, इस तरह समझते हैं हम कि ये एक सेट है जिसको हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। इसके अंदर एक और सेट है, यूनिवर्सल सेट के अंदर S1। तो S1 जो है, सपोज X बिलोंग्स टू S1, तो उस कंडीशन में इसका कॉम्प्लीमेंट, एक्स जो कॉम्प्लीमेंट है उसको हम एक्स सी से भी नोट कर सकते हैं, एक्स डैश से भी नोट करते हैं कई जगह। तो उस कंडीशन में एक्स का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, सॉरी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट, सेट का कॉम्प्लीमेंट, अगर जैसे यहाँ पे हमारे बात बात कर रहे हैं ए का कॉम्प्लीमेंट सेट, ए का कॉम्प्लीमेंट सेट जो होगा वो हमारे पास ऐसे एलिमेंट जो उस सेट में नहीं है उनका सेट, जैसे यहाँ पे एक्स जो है बिलोंग्स टू S1 है, तो एस का जो कॉम्प्लीमेंट होगा SC, अगर डिनोट करें तो SC जो होगा वो ऐसे एलिमेंट होगा P बिलोंग्स टू U, यानी यूनियन सच दैट P डज नॉट बिलोंग्स टू S, या P की जगह हम जैसे यहाँ पे S X कर रहे थे तो यहाँ पे हम X कर सकते हैं, X X एंड X सच दैट X डज नॉट बिलोंग्स टू S1। तो उस कंडीशन में हम वो उस सेट को कहते हैं कि वो जो सेट है वो कॉम्प्लीमेंट सेट है। तो इस तरह से हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट बेसिकली क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो कि उस सेट का पार्ट नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाता है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीजर्स एंड रेशनल्स के बारे में पढ़ेंगे।